नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और ये आज की खास खबरें। पाक भेजने वाला पुलिस अफसर मेरठ में एसपीसीटी का विवादित वीडियो वायरल। मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाकिस्तान जाने और बर्बाद करने की दे रहे हैं धमकी। बचाव में उतरे मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार। पहले धमकी फिर सफाई, बयान पर विवाद के बाद एसपीसीटी अखिलेश नारायण सिंह ने दी सफाई। कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना सही नहीं। माहौल को देखकर लगाई डांट फटकार। एसपी के बचाव में उमा भारती, मेरठ एसपी के बचाव में आगे आई भाजपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बयान को बताया सही। मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार ने भी किया एसपी का समर्थन। सरकारी नुकसान की भरपाई, बुलंदशहर में 20 जून को हिंसा में हुए नुकसान के लिए मुस्लिमों ने प्रशासन को सौंपा 6,27,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट। 10,000 छात्रों पर एफआईआर। नागरिकता कानून के विरोध में अलीगढ़ में हुई हिंसा पर सख्त योगी सरकार। एएमयू के 10,000 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज। यूनिवर्सिटी गेट तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद हुए थे लोग। पीएफआई पर लगेगा बैन। नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शन के आड़ में यूपी में हिंसा भड़काने के लिए संगठन पीएफआई पर बैन लगाएगी सरकार। गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। जबलपुर में संगठन से जुड़े एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज। संविधान बचाओ भारत बचाओ मार्च। नागरिकता कानून के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में निकाली संविधान बचाओ रैली। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, निशाने पर मोदी सरकार। नागपुर से नहीं चलेगा असम, असम को नागपुर से नहीं चलाया जाएगा गुवाहाटी से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा नफरत और गुस्से से असम आगे नहीं बढ़ेगा, जनता की आवाज दबा रही है भाजपा। सरकार पर बरसी प्रियंका, उत्तर प्रदेश में लड़कियां स्कूल जाने को डर रही है। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला, देश झूठ से उब चुका है। 135 साल की कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फहराया झंडा। राहुल और प्रियंका समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। शिवराज का तंज, कांग्रेस की स्थापना दिवस पर शिवराज का तंज। कहा 135 साल पुरानी पार्टी पर 40 साल से एक परिवार का कब्जा। सेना प्रमुख पर भड़के चिदंबरम, आर्मी चीफ पर भड़के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम। कहा आप सेना का काम संभालिए, राजनीति हमें करने दीजिए। ट्रिपल तलाक पीड़ितों को पेंशन, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा सियासी दाव। ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना देने की तैयारी। 70 बच्चों की मौत से हड़कंप, राजस्थान के कोटा के सरकारी अस्पताल में 24 दिन में 70 बच्चों की मौत। पिछले 48 घंटों में 10 बच्चों की मौत से प्रशासन में हड़कंप। गहलोत का गैर जिम्मेदाराना बयान, सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा देश के हर अस्पताल में रोज होती है 3 से 4 मौतें, जांच के लिए पहुंची टीम। जश्न पर बारिश का साया, नए साल के जश्न पर बारिश का साया। मौसम विभाग का अनुमान 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हो सकती है हल्की बारिश। जमा देने वाली सर्दी के बीच जश्न की तैयारी में जुटे लोग। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा 120 साल का रिकॉर्ड, तापमान पहुंचा 1 डिग्री के पास। उत्तर भारत के कई शहरों में पारा 0 के पास, घरों में रहने को मजबूर लोग। एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। कई शहरों में न्यूनतम पारा 10 के नीचे, टीकमगढ़ और पचमढ़ी में पारा पहुंचा 1 के पास। 2019 के सफल फिल्में बॉलीवुड के लिए बेहतरीन रहा 2019। कबीर सिंह उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, कबीर सिंह रही ब्लॉकबस्टर। मिशन मंगल, बाला, ड्रीम गर्ल रही सुपरहिट। गुड न्यूज, केसरी, हाउसफुल 4, बदला, आर्टिकल 15, गली बॉय, बाटला हाउस, लुका छिपी, पति पत्नी और वो, साहो, छिछोरे, ताशकंद फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर रही हिट। सत्य पे सत्ता के रीमेक को सलमान का भी इनकार। सत्य पे सत्ता की रीमेक को ऋतिक रोशन के बाद अब सलमान खान ने भी करने से कर दिया इनकार। चर्चा है कि अब अजय देवगन से बात की जा रही है। ये फिल्म रोहित शेट्टी और फराह खान बना रहे हैं। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पे।